लासा आपसे है। आज हम इसका बात और इसका जो मैटिंग है आप मैटिंग है ये पूरा हम निकाल के आपको दिखाएंगे, इसको बात भी देंगे, इसका पूरा मैटिंग निकालने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाएंगे। ये पूरी डस्टी हो गई है, पूरी डस्टी हो गई है। ये पूरा देखो, पूरा डस्टिंग ये हो रहा है, पूरी डस्टी हुई। इसको हम पूरा अभी बात देंगे, इसका बाल पूरा जो मैटिंग हुआ है यहाँ पे ये पूरा मैटिंग निकालेंगे और इसको पूरा दिवाली के लिए तैयार करेंगे। दिवाली लुक हमारी लास्ट सिल्की का दिवाली लुक, देखिए इसका फेस अभी कुछ दिख नहीं रहा है, अब पूरा हम कर देंगे इसको पूरा। हमने इसको भिगा दिया है अभी, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था कि शैम्पू हम डाइल्यूट करके यूज़ करते हैं, तो इसको मैं अभी डाइल्यूट करता हूँ। इसको मैंने ये डाइल्यूट कर दिया है। डाइल्यूट करने के बाद पूरा आप इसको रब करना है। अभी इसके अंदर डस्ट है, डस्ट की वजह से लैदर नहीं हो रहा है, जो फोम लैदर होना चाहिए लैदर नहीं हो रहा है। वापस इसको हम इसको डाइल्यूट करेंगे, तो इसको वापस थोड़ा सा लैदर लगाएंगे शैम्पू के अंदर, वापस इसको दिखाएंगे क्योंकि डस्ट है, डस्ट की वजह से पहले शैम्पू से डस्ट निकलेगा, लैदर कम होगा, तो आपको इसको पूरा ऐसा वॉश करना। पूरा हम लैदर कर रहे हैं, ये इसके फ्रंट का है, ऐसा लगा इसका फ्रंट से। मैं खुद प्रोफेशनल ग्रूमर हूँ, इस वजह से मैं आपको इसको प्रॉपरली बताऊंगा। आप भी अपने घर पे दिवाली की ऐसे ही तैयारी कीजिए, अपने जैसा ही इसको खूबसूरत बनाएंगे। हम नए नए कपड़े डालते हैं, इसको भी कुछ नया करें।
और ये स्पेशल से हम धोएंगे, ये प्रॉपरली ये होता है। हम देख सकते हैं पूरा पानी निकल रहा है, मुझे पूरा जो शैम्पू है पूरा निकल रहा है। मैंने इसका काम ऐसा क्वालिटी कर दिया है, ऐसा काम में पानी नहीं जाएगा। ये ना अभी ये मैंने इसके अंदर कंडीशनर डाल दिया है, इसको भी मैंने डाइल्यूट कर दिया। सभी चीज को डाइल्यूट करते हैं डॉग्स को, लगाना उसका पीएच वैल्यू कम होता है। अभी ये डाइल्यूट हुआ है, कंडीशनर है, धीरे धीरे आपको इसको पूरे बॉडी के ऊपर लगाना है। आप लगाओ ये, जैसे ही मैं लगा रहा हूँ एक अलग जो फील आ रहा है। इसको लगा के हम 2 मिनट रखेंगे पूरा, लादर नहीं होता है पता हो आपको, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कंडीशनर। सिल्की गर्ल, सिल्की गुड गर्ल, गुड गर्ल, गुड गर्ल सिल्की, गुड गर्ल। जितना हो सके आप कंडीशनर धीरे धीरे पूरा टेल में, पूरा बॉडी पे, बॉडी के नीचे आप लगा दो। जैसे आप लगाओगे ये सब लगा। अभी सब जगह पे हमने इसको लगा दिया, लगाने के बाद पूरा 2 से 5 मिनट हम इसको ऐसे रखेंगे। अभी इसको 2 से 5 मिनट हो गए हैं, तो आप देख सकते हो कि कंडीशनर पूरा बॉडी में एब्जॉर्ब हुआ है बालों में, तो उसके वजह से बालों का जो कोर से वो बॉन्ड हो गया। वॉश कर देते हैं पूरा, पूरा कंडीशनर ही निकल रहा है। ये पानी के प्रेशर से और अच्छी तरह निकल। फेस इसका पूरा ऐसा धो देंगे, थोड़ा सा अच्छे पूरा पानी निकाल देंगे। ये पानी निकालना इम्पोर्टेंट है, आप इसके पैर पूरे निचोड़ दीजिए, फिर कान के बाद ऐसे निचोड़ दीजिए। ये आप निचोड़ दोगे पूरा पानी निकल जाएगा। पानी निकलने से क्या होगा, आपको टॉवल कम लगेगा यूज करने, क्या होता है ऊपर का पानी ऐसे ही निकल जाता है, लेकिन आप अगर डायरेक्टली टॉवल लगाओगे पानी।
अगर जितने जितने मेरे पिछले वीडियो देखे हैं उनको मालूम होगा कि वाटर एब्जॉर्बेंट है, इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, सबके पास होना चाहिए। इतना पानी निकला, इतना पानी निकलता है वापस हम रीयूज कर सकते हैं। अभी पूरा तो झाड़ने दो, वापस एक बार वापस हाथ फिर से ले और अभी इसको हम ब्लो ड्राई करेंगे। इसका पार्ट पहले हम कवर करेंगे। जैसे मैं हर वीडियो में बोलता हूँ डॉग का, अगर आप बात देते हो इसका चेस्ट जो पार्ट है तो आप प्रॉपरली ये कर देंगे। आप ऐसा कान को पूरा बंद कीजिए, फिर ब्लोअर ऐसा एक उंगली से बंद कीजिए तो हवा अंदर नहीं जाएगी, उसको अनकम्फर्टेबल नहीं होगा। अभी हमारी सिल्की तैयार हुए फेस्टिवल लुक के लिए, एकदम सॉफ्ट और सिल्की। फ्रेंड्स मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।